इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। हर कोई घर, ऐसा कोई घर नहीं है, बेलगाम की बात नहीं है, पूरे कर्नाटक की या पूरे हिंदुस्तान या पूरे दुनिया की बात है कि डायबिटीज़ आजकल जो है घर घर में है। एटलीस्ट एक इंसान, एक फैमिली मेम्बर जो डायबिटीज़ से सफ़र करता है। और डायबिटीज़ की एक बदतरीन चीज़ ये है कि ये बीमारी जो है वो साइलेंट बीमारी है। इसको बोलते हैं ये साइलेंट किलर। ये जो इंसान को है तकलीफ़ देने वाली बीमारी नहीं है, ये इंसान को अंदर से खोखला करती चली जाती है। डायबिटीज़ को समझना है तो ऐसे समझना है कि डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चार तरीके से समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इंसान को ये बात तय करनी चाहिए कि उसको शुगर है या ना है। अब वो चाहे तो अपना ब्लड टेस्ट कराए, चाहे पर बहुत मतलब 2-3 बार अपना चेक कराए, लेकिन ये मान के चले कि उसको डायबिटीज़ है। झुटलाए ना। इंसान की जो ख़ास बात है या हमारे कौम की भी ख़ास बात है, इंसान झुटलाता है कि मैंने स्वीट खाया था, मैंने टेस्ट करवाया, मैंने मतलब 1 घंटे में ही टेस्ट करवाया। तो बहुत सारे जो बहाने आप देते हैं उससे आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर आपको डाउट है तो 1 बार कराएं, नहीं तो 2 बार कराएं, या 2 लैब से कराएं, या 3 लैब से कराएं। बट आप ये तय कर लें कि आपको शुगर है या ना है। जब आप तय कर लेंगे आपको शुगर है, तो दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खाने पीने में जो है परहेज़ करें। क्या परहेज़ करना है ये इंसान बखूबी जानता है, बट वो अपने आप पे झूठ लगाता फिरता है। अगर हम कहेंगे कि चावल कम खाओ तो बोलेंगे कि नहीं, हम तो चावल बहुत कम खाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब चाय पीते हैं तो उसमें शक्कर डालते हैं, तो शक्कर तो है वो 100 गुना ज़्यादा डेंजरस है चावल से। तो पहले तो आपको शक्कर है या गुड़ है, ये चीज़ों को बिल्कुल भी बंद करना चाहिए। हाँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि गुड़ भी इंसान को बंद करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शक्कर को कम खाया जाए, जैसे जो ज़मीन के नीचे उगने वाली तरकारी है, जो वेजिटेबल है, उसको कम खाया जाए, जो ऊपर उगती है उसको ज़्यादा खाया जाए। तो खान पीन में और सारी चीज़ें हैं जिसको हम और डिटेल में बता सकते हैं, बट मोटी मोटी इतनी चीज़ें हैं कि शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और चावल को है जितना हो सकता है उतना कम खाएं। ये जैसे नमाज बिना वजू के नहीं हो सकती, वैसे ट्रीटमेंट शुगर का बिना खान पीन और परहेज के नहीं हो सकता। और एक बड़ी बात यह है कि इंसान एक्सरसाइज करे। एक्सरसाइज का मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई जिम को नहीं जाना है, 10 से 15 मिनट का रूटीन वॉक करें। जो लोगों को सुबह का वक्त में टाइम नहीं मिलता, वो लोग शाम के टाइम करें, लेकिन करें ज़रूर। 10 से 15 मिनट की वॉक बेहद ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ है, जब इंसान को ये चीज़ पता चल गई कि उसको डायबिटीज़ है, और वो जो अच्छे से परहेज भी करा रहा है, तो वो इस चीज़ को मैनेज करे, चेक कराए, हर महीना चेक कराए, हर महीना अपने शुगर्स चेक कराए, अपने डॉक्टर्स को रेगुलरली विजिट करे, साल में 1 बार। ऐसी चीज़ें जो डायबिटीज़ से अफेक्ट होती है, जैसे आँखों की बिनाई, हाँ,
कमज़ोर हो जाती है, जैसे किडनी कमज़ोर हो जाती है, जैसे लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो साल में एक बार ज़रूरी है कि अपना मास्टर हेल्थ चेकअप कराए, अपना डिटेल में चेक कराए, पाँव के नस, जो बहुत ज़्यादा औरतों को तकलीफ़ है कि पाँव में जलन रहती है, रात भर नींद नहीं आती है, तो ज़रूरी है कि अपना पूरा डिटेल में साल में एक बार चेक कराए और शुगर का चेक हर महीना कराए। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आपका परहेज, जब आपका एक्सरसाइज आपके शुगर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सकता, तो आपको गोली लेनी पड़ेगी, हैं, टैबलेट लेनी पड़ेगी, दवाइयां लेनी पड़ेंगी, जिसको आपको रेगुलरली लेना है। ऐसे नहीं कि 3 महीने लिया छोड़ दिया, ऐसे नहीं कि 2 महीने परहेज किया छोड़ दिया। अब आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो चुकी है, तो आपका जो भी उसको कम करने का जो भी आपका तरीका है, वो आपका ज़िंदगी भर चलेगा। जैसे नमाज है, एक बार फ़र्ज हो गई तो आदमी को मरते दम तक फ़र्ज है, ऐसा ही डायबिटीज़ में, अगर एक बार दवाई शुरू हो गई, अगर एक बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, तो वो तो ज़िंदगी भर का रहेगा। हाँ, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि जिसकी डायबिटीज़ में किडनी कमज़ोर हो जाती है, उसके शुगर कम होने लगते हैं, क्योंकि दवाई जो आप खाते हैं वो आपके बदन में बहुत देर तक रुकती है। हाँ, ये सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, सलाह लें, हर जो डायबिटीज़ का पहलू है उसको देखें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इत्तेहाद न्यूज़ का, जिन्होंने मौका दिया बच्चों की सेहत के बारे में बात करने के लिए। तो बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है जब से वो माँ के पेट में रहते हैं, तो माँओं को चाहिए कि खास करके अपनी सेहत का ख्याल रखें जब वो प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, अच्छे से खाना खाए। अक्सर माओ में किसी चीज़ का पच नहीं रहता, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते हैं, तो उनको चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं, वो खाएं, बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, ज़्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करें, और जब बच्चों की डिलीवरी होती है, इसका ध्यान रखें कि जल्द से जल्द बच्चा पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर अपना दूध पिलाएं उनको, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं उनको। अगर माँ का दूध नहीं आता है तो नियर बाय पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके जो बच्चे के लिए बेहतर है वो इंतज़ाम करें, या तो दूसरी माँ का दूध का इंतज़ाम करें, पाउडर के दूध से थोड़ा परहेज़ करें, और बॉटल का दूध तो हरगिज़ ना पिलाएं। उसके बाद बच्चों के जो वैक्सीन होते हैं, जैसे कि पैदा होते ही टीबी का वैक्सीन है, पोलियो का वैक्सीन है, ये करवाएं। और चंद ऐसे वैक्सीन हैं जो कि ऑप्शनल रहते हैं, वो अपने डॉक्टर से बात करके वो करवाएं। और अक्सर बच्चों में कैल्शियम की कमी रहती है, तो कैल्शियम की जो दवाइयां हैं वो पिलाएं उनको। और खुद भी जब पहले 6 महीने में बच्चों को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाएं, सिर्फ दवाइयां और सिर्फ माँ का दूध, और खुद भी अच्छे से खाना खाएं, ताकि जितना जो आप खाएंगे वो बच्चे को मिलेगा। 6 महीने के बाद में ही आप जो आलू है, उबले हुए आलू है, या सब्ज़ी है, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप खिला सकते हैं। हत्तल इम्कान बच्चों को पाउडर की चीज़ों से या रेडीमेड चीज़ों से परहेज़ करें, जितना हो सकता है घर का चीज़, घर की बनाई हुई चीज़ों का एहतमाम करें। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना तो काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी ऐसा ज़ीरो हुआ नहीं है इंसिडेंस रेट, पर डे के हिसाब से 10,000-12,000 रेट्स हैं अभी भी इंडिया में, तो उसका लिहाज रखें। बच्चों में कोरोना की खसूसियत ये है कि वो निमोनिया से कम प्रेजेंटेशन होता है, मतलब सर्दी खांसी ये कम रहती है, उनके दिल में ज़्यादा जाती है निमोनिया, पेट दुख के पैखाने लगना, उल्टियाँ होना, या बीपी कम होना, हाथ पैर ठंडे होना, इसको मतलब मेडिकल टर्म में बोलते हैं डेंजर साइंस। बच्चा दूध नहीं ज़्यादा पीता है, या बड़ा बच्चा है तो खाना नहीं खाता है, और हाथ पैर ठंडे रहते हैं बच्चे के, ज़्यादा बच्चा पेशाब नहीं करता, और ज़्यादा नींद ज़्यादा करता है, या अगर छोटा बच्चा है तो माँ की छाती पे ज़्यादा लगता नहीं है, तो ये डेंजर साइंस हैं कुछ ऐसे। तो जब किसी को भी लगे कि अपने बच्चे में डेंजर साइन दिखाई दे रहे हैं, करीबी डॉक्टर को दिखाएं और जल्द से जल्द इलाज करवाएं उसका। आज यहाँ पे 14 नवंबर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, बच्चों को बहुत चाहते थे वो, तो उनके मेमोरी में ये चिल्ड्रन डे रखा गया है। केयर पॉलीक्लिनिक की तरफ से आज ये चिल्ड्रंस डे का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि फ्री कैंप है न्यूबॉर्न्स के लिए, इन्फंट्स के लिए, और स्कूल गोइंग किड्स के लिए। तो आप उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आके ले सकते हैं। ड्रग्स, चंद एक ड्रग्स भी फ्री हैं बच्चों के लिए। और अगर आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल इश्यूज़ हैं, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, या वेट कम है, या वेट ज़्यादा है, तो वो इश्यूज़ भी आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज रहमान फाउंडेशन के जानिब से नुमानी हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल कैंप रखा गया, फ्री डायबिटिक मेडिकल कैंप, फ्री पीडियाट्रिक मेडिकल कैंप, क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है और इंडिया का चिल्ड्रंस डे है। इस दोनों को डेज को सामने रखते हुए, क्योंकि डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है, अगर उसे थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं तो इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है,
तो अगर उसको सही ट्रीटमेंट फ्रॉम फर्स्ट डे कर लेते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे के अंदर और बगैर परेशानी के अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है। और साथ में बच्चे जो पेडियाट्रिक बच्चे हैं, क्योंकि अगर 5 साल तक उनकी सही तरबियत होती है, सही उनकी हेल्थ की फ़िक्र की जाती है, तो ये बच्चे आगे चल के हेल्दी बच्चे बन जाते हैं और इंशाल्लाह आगे जाके खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए और बोलते हैं अपने मुल्क के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो इसी को सामने रखते हुए क्योंकि अपने पास माहिर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ज़िया गुट्टी, डॉक्टर मोहम्मद ज़िया गुट्टी है, डॉक्टर नाजिया मुल्ला है जो डायबिटिक के ऊपर माशाल्लाह महारत रखते हैं और थायराइड के ऊपर भी महारत रखते हैं, और बच्चों के लिए डॉक्टर जिशान देसाई है, ताकि ये जो माहिर एमडी डॉक्टर्स है वो माशाल्लाह फ्री अपना चेकअप करने के लिए भी तैयार है, फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। तो उसको सामने रख के एक मेडिकल कैंप रखा गया है। असल मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत करना है, जिस लाइन से भी हो सकता है। अगर इंसान की सेहत अच्छी है तो इंसान आगे चल के बहुत सारे काम कर सकता है, रिफाई काम कर सकता है, दीन का काम कर सकता है, अपने मुल्क के लिए काम कर सकता है। तो ये फ्री मेडिकल कैंप्स जहाँ पे बेलगाम सिटी में इंशाल्लाह भी आइंदा पीरवाड़ी साइड में है और दिगर अतराफ़ के देहातों में वगैरह भी कैंप करने का इरादा है। इससे लास्ट मंथ करोशी हो गया है, घटप्रभा गुकाक हो गया है, अभी अंकल की हाल ही में हुआ है। इंशाल्लाह आगे चंदगढ़ है, आजरा है, बैलुंगल है, दांडेली है, इंशाल्लाह करने का इरादा है। असल मकसद रहमान फाउंडेशन का ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए और खिदमत के ज़रिए से दिल को नरम किया जा सकता है। आज जो अपने मुल्क का माहौल बना है, नफ़रत का और हेट्रेट का माहौल बना है, ये ख़त्म हो सकता है बस खिदमत के ज़रिए से। और ये मुल्क की जो पहचान है, गंगा जमुना तहजीब है और ऋषि मुनियों का मुल्क है, पीर और फ़कीरों का मुल्क है, तो इसे वापस लाना है। और चंद अहबाब हैं, चंद जो लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह खिदमत के रास्ते से अमन, मोहब्बत और भाईचारे का माहौल इंशाल्लाह आम हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह।